सब पूरा दिन इसी तरह सुख और शांति से बीतना चाहिए। बिस्कुट खाने आई हो? चलो फूटो यहाँ से। अनपढ़, जाहिल, मतलबी। और मैं पूछता हूँ, आखिर हो क्या रहा है ये? हैं? सर, हम चाय। और क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? अच्छा सर, वो यही रखा था पर। ये पांडो। ओए सर। ओ हो, कल फिर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने एक शेर का शिकार किया। हाय, ओ मुझे जानवरों पर जो छल करते हैं ना, उनसे सख्त नफरत है। जी सर, हमें भी जानवरों से बहुत प्रेम है सर। ओए कमाल है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना कि मेरे एरिया में ना जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जी बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे। ओके, और मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ। अरे छोड़ हमको। हमारी नाक। सिंपू, ये एनिमल्स कितने प्यारे हैं। डू यू नो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आई यूज टू लव कमिंग हियर। ये देखो, ये था मेरा बेस्ट मोमेंट। इन्हें पैराडाइज बर्ड्स कहते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और इनकी स्पेशलिटी है इनका मीठा गाना। ये बर्ड्स सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें देखने लोग काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। रियली? अब तो मैं इन्हें देखने के लिए और भी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। लो, आ गए। क्या तुम्हें दिखाई दिया सिंपू? यहाँ तो कोई गाइड भी नहीं है। डोंट वरी बेटा, बर्ड्स दिख जाएंगे। कुछ देर रिलैक्स कर लो। कितना पीसफुल है ये रिसोर्ट। मम्मी, क्या मैं और सिंपू लेक के पास पिक्चर्स क्लिक करने जा सकते हैं? श्योर, हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया सिंपू? ये तो किसी की रोने की आवाज है। आप ठीक तो है ना अंकल? और आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ बेटा। यहाँ के सारे पैराडाइज बर्ड्स की देखभाल करना मेरी ड्यूटी ना। अरे वाह, क्या आप हमें वो बर्ड्स दिखा सकते हैं? उन्हीं की तो चिंता है मुझे। कुछ दिन पहले बर्ड्स की संख्या बिल्कुल कम होने लगी थी ना, मुझे शक है कुछ गड़बड़ है बाबा। आज सुबह में मैंने कुछ लोगों को बर्ड्स को पिंजरे में पकड़ कर ले जाते हुए देखा। ए, कौन हो तुम लोग? रुको, मैं कहता रुको। अरे छोड़ दो इना को, कहाँ लेके जा रहे हो इन कीमती पक्षियों को? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर तो उन्हीं लोगों ने आपको यहाँ बांध दिया। अब तो उन बर्ड्स को ढूंढना ही पड़ेगा। व्हाट से सिंपू, चले। ये एक टाइप का बर्ड कॉल है। बर्ड कॉल? वो क्या होता है? बर्ड कॉल से बर्ड्स हमसे कम्युनिकेट करती है ना। लगता है बर्ड्स हम लोगों को बताना चाहती हैं कि वो किसी खतरे में है यारो।
अंकल, आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। सिंपू की मदद से मैं बर्ड्स का लोकेशन पता करता हूँ। ठीक है बेटा। मैंने तुझसे ज्यादा बर्ड्स पकड़े, मैडम जी मुझे ही इनाम देंगी। हाँ हाँ ठीक है, मगर मैंने सबसे ज्यादा जानवर पकड़े हैं यहाँ। का चिड़ियों को खतरा है? आदमी और जानवर तो फिर भी ठीक है, मगर ये उड़ती हुई चिड़िया की मदद कैसे करेंगे हो? मदद तो करना ही पड़ेगा साहेब, वरना कमिश्नर साहेब आपको उड़ा देंगे। हम आ रहे हैं, अब बब्बा उड़ते हुए आ रहे हैं। लगता है वो लोग यही होंगे। सिंपू, रेडी फॉर एक्शन। ये कैसे अजीब जूते और कपड़े हैं? नहीं नहीं, इतने बर्ड्स काफी नहीं है। इतने कम बर्ड्स से मैं अपनी ड्रेस कैसे पूरी करूंगी? कैसे? कल और ज्यादा ले आएंगे, प्रॉमिस। अगर उन पैराडाइज बर्ड्स के फैदर से मैं ये ड्रेस नहीं बना पाई तो तुम दोनों की खाल उधेड़ कर जूते बना दूंगी। मैं तुम्हें ये ड्रेस कभी नहीं बनाने दूंगा। मेरी शूज छोड़ोगे नहीं तुम्हें। रक्षा पे बदमाशी है। अब इन्हें भी मजा चखा दे सिंपू। अब तू गया बच्चे। हमें जल्दी सभी एनिमल्स और बर्ड्स को केज से निकालना होगा। कम ऑन फास्ट सिंपू। ओह नो, दे आर लॉक्ड। इन्हें ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें मेरा प्लान चौपट नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें मेरी ड्रेस बिगाड़नी नहीं दूंगी। लगता है पुलिस आ गई। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग। मासूम जानवरों को पकड़ते हो? आई डोंट लाइक दिस। अब चलो थाने, वहाँ तुमको बंदर के जैसे उल्टा लटकाएंगे। चलो। मगर ये लोग तो पहले से ही उल्टे लटके हुए हैं। कमाल कर देता, इन बर्ड्स को रेस्क्यू करके ना तुम लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। गुड जॉब। हाँ, अब कल के पेपर में हमारा भी फोटो आएगा। इंस्पेक्टर साहब, एक फोटो। सर,
आपका दिन तो शुभ हो गया। स्माइल चिंपू। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।